आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि घर में लगा तुलसी का पौधा आपके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत कर सकता है, कैसे आइए जानते हैं। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान रहता है। कुछ लोग तो इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में परेशानी खत्म होने का नाम तक ही नहीं लेती। एक परेशानी खत्म नहीं हो पाती कि दूसरी परेशानी दस्तक देने के लिए द्वार पर खड़ी रहती है। इन परेशानियों के समाधान के लिए व्यक्ति कई तरह के जतन भी करता है, लेकिन कभी कभी सारे जतन व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आप भी कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जहां आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है एवं औषधीय दृष्टि से भी देखें तो इस पौधे का विशेष महत्व है। घर में तुलसी के पौधे की मौजूदगी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करती है। नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी का पौधा ही वह उपाय जो मानव जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है। चलिए जहाँ पर हम कुछ खास समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करते हैं जो आमतौर पर मानव जीवन में देखने को मिलती है। अगर किसी कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो बहुत से लोग घर की कन्याओं के विवाह के ना होने से परेशान रहते हैं। किसी लड़की के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और किसी के जीवन में अच्छे रिश्ते तो मिल जाते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा ही कोई अगर समस्या है तो जो कन्या के विवाह में अड़चन पैदा करते हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए लड़की रोजाना तुलसी के पौधे में पानी डाले, उसकी शादी के लिए कामना करे। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से विवाह में आ रही तमाम तरह की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। जहाँ पर एक बात को आपको याद रखना है कि इतवार और एकादशी के दिन आपको कभी भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, और जब कोई कन्या या किसी माता बहन को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हुई हो तो उस मंथली प्रॉब्लम में भी आप तुलसी के पास नहीं जाएंगे और ना ही उसको जल चढ़ाएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ लोग जैसे तैसे करके व्यापार तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनमें लगातार नुकसान उसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। वहीं कुछ लोग अपने बड़े हुए व्यापार के असफल होने से परेशान होते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह की समस्या आ रही है तो तुलसी के पौधे से इसका समाधान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्रवार के दिन स्नान करके तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके बाद किसी मिष्ठान का भोग लगाएं, अब बचे हुए प्रसाद को सुहागन स्त्री को दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है, सामने आ रही अड़चनों का विनाश होता है। किसी किसी घर में लगातार आपसी संबंधों में कई तरह का मनमुटाव तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में घर में हर तरफ अशांति ही अशांति नजर आती है। अगर आपके भी घर में कुछ ऐसा ही माहौल छाया हुआ है तो समझ लें कि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश है। ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पौधे की मदद से इस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं, उसको नियमित रूप से जल चढ़ाएं एवं घी का दीपक लगाएं। तो ये थी आज की विशेष बात तुलसी को लेकर। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज दिन की शुरुआत सूर्य उपासना से करना लाभप्रद होगा। आजीविका संबंधी कार्य योजनाएं बनाते हुए उन्हें लागू करने के लिए गंभीरता बनाए रखें। नौकरी पेशा लोगों को खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। बॉस के साथ व्यर्थ की बहस में नहीं उलझे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में आया है तो सावधानी और समर्पण के साथ काम करें। कपड़ा, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक के कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होने जा रहा है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियों को इग्नोर करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। घर में अनुशासन रखने की जरूरत, साफ सफाई और सजावट भी कर सकते हैं।
वृषभ यानी कि टॉरस, आज मन में किसी के प्रति कटुता ना रखें, जरूरतमंदों के प्रति दया भाव रखकर दिन की शुरुआत करें। कोई जरूरतमंद मदद मांग रहा है तो हर संभव सहायता करें। शोध कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना। नौकरी पेशा लोगों के रुके हुए कामों को आज शुरुआत मिल सकती है। व्यापारी वर्ग उत्पाद या अपने प्रतिष्ठा प्रचार प्रसार के लिए भी काम करें। युवाओं को मन मुताबिक प्लेसमेंट मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। सेहत में महामारी का प्रकोप लौटने की आशंका को देखते हुए बच्चों का विशेष ध्यान रखें। घरेलू मामलों में विवाद की स्थिति में समझदारी दिखाएं। जीवन साथी की अनदेखी करना ठीक नहीं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के लिए कामकाज को लेकर अपनी सक्रियता और सावधानी दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा, सफलता मिलेगी। सहकर्मियों से चौकन्ना रहें। भाग्य के लिहाज से आज अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम के लिए सचेत रहें। कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबारी व्यवहार में कुशलता बनाए रखें। लाभ पाने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हेल्थ की बात करें तो आज लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है, तो वहीं सजग रहें क्योंकि पुरानी शारीरिक परेशानियां आपको घेर सकती हैं। घर परिवार में किसी छोटे सदस्य का बर्ताव दुखी कर सकता है। कोशिश करें कि बेवजह के मुद्दों पर बहस ना हो। कर्क यानी कि कैंसर, आज अगर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं दिख रही तो खुद को मौन और सीमित ही रखना लाभकारी होगा। नौकरी से जुड़े लोगों को काम के प्रति फोकस को बढ़ाना होगा। जोश और स्फूर्ति में कमी ना आने दें। कार्यस्थल पर माहौल अनुकूल बनाने के लिए सहकर्मियों के साथ पार्टी या गेट टुगेदर कर सकते हैं। कारोबारियों को साझेदारी में पारदर्शिता रखनी होगी। बड़ी डील करने जा रहे हैं तो लाभों का आंकलन कर लें। युवा वर्ग जिम्मेदारियों के चलते व्यस्त रह सकते हैं। फील्ड में अपडेट रहें, पैरों में दर्द उठ सकता है, ऐसे में मालिश लाभ देगी। ननिहाल पक्ष से शोक समाचार मिलने की संभावना। सिंह चनकी लियो, आज पूरी तन्मयता के साथ अपने सभी काम बिना गलती किए हुए पूरा करें। देर से ही सही आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। महत्वपूर्ण कामों को जल्दबाजी ना दिखाएं। ऑफिस की ओर से मीटिंग की अगुवाई करने का अवसर मिल सकता है। पूरी तैयारियां करके जाएं। फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। स्ट्रोक, मेंटेनेंस और रिकवरी संबंधी मामलों में कोई लापरवाही ना होने दें। युवा वर्ग सक्रियता बनाए रखें और वृष्टजनों के संपर्क में बने रहें। स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है तो खान पान संबंधी परहेज करना आपके लिए अनिवार्य। आज परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, मनपसंद व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं। कन्या यानी कि वर्गो, आज के दिन विवेक ही आपकी समझ को बढ़ाएगा और कामकाज के सिलसिले में सफलता मिलेगी। कुछ कठिन मुद्दे हैं तो फैसले समझदारी से लेने होंगे। अपने समय का पूरा उपयोग करें और कोई काम पेंडिंग ना छोड़ें। शोध या सैनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ। अप्रायश्चित सफलता भी मिल सकती है। विदेश में पढ़ाई या नौकरी खोज रहे लोगों को थोड़ा ठहरना होगा। युवा वर्ग संगीत कला में रुझान और बढ़ाए। सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, डॉक्टर से सलाह किए बगैर दवा का इस्तेमाल ना करें। जीवन साथी की तबीयत बिगड़ सकती है। शांति के लिए शाम के वक्त घर में पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला जन के लिए प्रास। आज के दिन कोई भी काम बगैर प्लानिंग के ना करें। कठोर मेहनत का मनचाहा परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे हैं तो दिन बेहद उपयुक्त। कार्यक्षेत्र में मस्तिष्क का प्रयोग अधिक करें। विरोधियों से भी सचेत रहें। व्यापार में नुकसान की आशंका। निवेश को लेकर थोड़ा संभल कर चलना होगा। स्वास्थ्य में बदलता हुआ मौसम बीमारी कर सकता है। वायरल डेंगू आदि से बचने के लिए ठंडे या गर्म का सामंजस्य बनाए रखना होगा। परिवार में विवाह योग्य लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। विवाह योग्य लोगों को मनपसंद जीवन साथी मिलने की पूर्ण संभावना। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन नकारात्मक ग्रह सक्रिय होकर आपसे गलती करवा सकते हैं। खराब प्रदर्शन के असर से तनाव घिर सकता है। मन में असंतोष का भाव विचलित रखेगा। नौकरी के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए जल्द अच्छे मौके आएंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सामंजस्य बिठाने में कठिनाई आ सकती है। कारोबारियों को धन खर्च निवेश दोनों में फैसला समझदारी से लेना चाहिए। युवा कैरियर के लिए थोड़ा और गंभीरता से सोचें।
स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर दर्द उभर सकता है। घर में कोई बीमार है तो सेहत को लेकर परिवार को अलर्ट रहने की जरूरत। बहन के पति स्नेह बढ़ाएगा। धनु जानकी सेजिटेरियस, आज के दिन आपका बेहद व्यस्त रहने वाला दिन, इसलिए आलस बिल्कुल छोड़ दें। कार्यस्थल का माहौल अच्छा रखें, दी गई जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस करें, परिश्रम का परिणाम जल्द मिलेगा। बॉस और वरिष्ठ जनों से विनम्रता से बर्ताव करें। चमड़े का कारोबार करने वालों को थोड़ी सावधानी की जरूरत। नुकसान की आशंका, लेखन से जुड़े लोगों के लिए भी समय बेहद। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में त्वचा रोग परेशान कर सकता है, जरूरी होगा कि घरेलू इलाज की बजाय डॉक्टर से सलाह ली जाए। आज घर परिवार में बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, नए रिश्ते भी बनाने का अच्छे समय। मकर चानकी कैप्रिकॉन, आज के दिन परिस्थितियां थोड़ा असहज कर सकती हैं। काम बिगड़ने ना पाए इसके लिए मानसिक स्थिरता दिखानी होगी। भावुकता में अगर निर्णय लिया गया तो नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में नियमों का पालन करना होगा। काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, इससे ना सिर्फ आय की वृद्धि होगी बल्कि प्रमोशन की भी संभावनाएं दिख रही हैं। कारोबारियों को कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले वरिष्ठ जनों से विमर्श करना लाभकारी होगा। कानूनी दाव पेच से बचकर रहें। मां को फिसलने वाली जगह पर सावधानी बरतने की जरूरत। चोट लगने की आशंका। कुंभ जानकी एक्यूरेस, आज के दिन अपनी बात रखते हुए सही कम्युनिकेशन रखें। ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी कही गई बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचे। ऐसा ना होने पर हास्य का पात्र बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने की संभावना। नौकरी हो या कारोबार, जगह महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान थोड़ा सीमित रहना होगा। ऑफिशियल कामकाज के दौरान क्रोध पर कंट्रोल रखने की आदत डालें। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं को अभी और मेहनत करने की जरूरत। लीवर और आंत संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। मेन जानकी पाइसेस, आज का दिन पूरी तरह उन्मुक्त रहने का प्रयास करें। परिवार के साथ घूमने या खरीदारी के लिए जा सकते हैं। किसी व्यर्थ के मुद्दे पर मूड खराब ना करें, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को गलतियों से बचने की जरूरत। पुराने अटके हुए काम आज ही निपटाएं। कपड़ा कारोबारियों को अच्छा लाभ होने की संभावनाएं। युवाओं को वाहन चलाते हुए सावधान रहना होगा, हाथ में चोट लग सकती है। तो वही दूसरी ओर वैश्विक महामारी के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत। घर में नल या कोई पाइपलाइन संबंधित काम अटका हुआ है तो आज ही ठीक करवा लें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।